हेलो दोस्तों, विजय ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप के बारे में। जेल से रिहा होने वाला है। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। समझ रहा। हाँ भाई साहब बताइए, कब मनीष जी रिहा होने वाला है जेल से? रिहा होने में तो समय है ना। आप तो बोले थे जल्दी में हो जाएगा, कार्रवाई चालू है। भाई जल्दी में हो गया, जितना जल्दी जल्दी सब एकता होंगे उतना ही जल्दी कोशिश में जारी होगा, तो जल्दी निकलेंगे। रुको जरा, सबर करो। मैंने जल्दी निकलने का चांस है? हाँ लग तो रहा है अभी जल्दी निकलने का चांस है, इसलिए से बहुत आदमी मतलब पीछे लगे हुए हैं, प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। अभी मजा आएगा ना, निकल जाए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, जितना जल्दी निकल जाए। इसलिए आम आदमी के लिए बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैंने निकल जाएगा तो आपको खुशी होगा? हाँ क्यों नहीं, खुशी होगा। अच्छा चलिए, अच्छा अब फिर निकल के फिर वही रंग में आए? वो देखो भाई, वो निकलेंगे तो और उससे अच्छा करेंगे ना। समझ रहा। अच्छा करें। हाँ इसलिए से अब लोहा जो है ना, जब आग में तपती है ना तो बहुत अच्छे प्रकार के मतलब रंग लाती है वो। हाँ। वो जो उसमें ताकत बढ़ जाती है, पगला के उसको आकार चेंज हो जाता है। हाँ आकार चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही बोले। अभी मजा आएगा। तो इसको भी वो गर्म हो रहा है? हाँ वो समझे से वो भट्टी में चले गए हैं, 180 दिन में पूरा धिक के लाल हो जाएंगे। लाल हो जाएंगे और निकलेंगे तो उसका आकार बनेगा बहुत अच्छी, और उसके बाद में देखिए फिर बहुत अच्छा होगा। हाँ बहुत अच्छा होगा। तो तेजस्वी जी उनको भी सुन रहेगा तो जेल होने वाला है भाई। उनका छोड़ो भाई, नेता आदमी है तो उनका क्या करना है, अभी तो पूरा उन्हीं का हाथ में चल रहा है। समझ रहा ना। हाँ ये तो बात सही, सब तो उन्हीं के हाथ में पुलिस लोग भी है। अब सब कुछ तो सब चीज उन्हीं के हाथ में अभी चल रहा है, तो अभी सरकार के अति पे तो वही चल रहे हैं। तो बिहार में तो वो जो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। अब तेजस्वी जी जो है किए है वो सही तो नहीं किए है, ये छोटा पत्रकार है, इनके ऊपर तो अब इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें अब सुनने में आ रहा है CBI भी जाँच होगी। रुको जरा, सबर करो। इसमें पता चल जाएगा, टेंशन इतना लेने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा है हकीकत क्या है इसमें। हाँ ये भी तो सही बात बोले, इसमें पता चल जाएगा क्यों। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। शुरुआत हुआ तो समाप्त करते हैं। समाप्त हो गया ना, अब तो समाप्त।